कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जोश है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इसे एक सत्याग्रह का नाम दिया जा रहा है। एक ऐसे ही कार्यकर्ता से मिली है हमारी सहयोगी कमलजीत संधू, देखिए। आप ये बताइए मैडम जी, हम राहुल गांधी जी के सेवक हैं और आपको बता देना चाहते हैं, जिस तरीके से आज ईडी और सत्ता में बैठी हुई भाजपा जो काम कर रही है, हम बता देना चाहते हैं, आज बता देना चाहते हैं सत्ता सरकारी को, हम किसी भी हालत में डरने वाले नहीं है। अगर हमें फंसाया जाएगा, डराया जाएगा तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता है, डरेगा नहीं। आज अपने गिरफ्तार करना है, हम गिरफ्तार देने के लिए आए हैं और आज बताने आए हैं कि क्या नाम, इस तरीके से आप मनगढ़ंत गालियां कर अगर आप हमारे राहुल गांधी जी को करेंगे, हनुमान जी का गदा है आपके पास। जब जब संकट आता है हमेशा कोई ना कोई दूत बनकर आता है और हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके लिए हैं, जहाँ जब 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 आपको जरूरत पड़ेगी आपके सिपाही आपके साथ खड़े हुए हैं। अगर कैमरा पर्सन ऊपर से नीचे इनको दिखाएं, आप बेड़ियों में भी आए एक तरह से, आज जो इन्होंने हालात बनाए हैं, आज हमारे राम को जो इन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की है, हम इन्हें बता देना चाहते हैं, आपको ये कांग्रेस के सिपाही हैं, ये डरेंगे नहीं और आपको जवाब देंगे और सत्ताधारी पार्टी को जवाब देंगे। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है और ये बस भरकर इन्हें हिरासत में लिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से ही पहुंच रहे हैं। एक बैरिकेडिंग दरअसल की गई है ताकि ये कांग्रेस मुख्यालय, कांग्रेस दफ्तर तक ना पहुंच पाए। तमाम ऐसे रास्तों पर नजर रखी जा रही है, वहां पर ये सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं ताकि एक बड़ा मूवमेंट लोगों का ना हो सके। बड़ी संख्या में ये कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं, तो आज एक तरीके से कांग्रेस इसे सत्याग्रह का नाम दे रही है, एक आंदोलन की शुरुआत कह रही है और इस आंदोलन को वो शुरू ना कर पाए इसके लिए ये व्यापक इंतजाम, ताकि ये कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पर एकजुट ना हो सके, एक बड़ा प्रदर्शन ना कर सके। इसके लिए पहले से ही एहतियातन इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, देखिए ये जाहिर सी बात है और रणदीप सुरजेवाला भी जैसे कह रहे थे कि नेशनल हेराल्ड मामला, ये जिन बार बार कांग्रेस के लिए बाहर निकल आता है, आज एक बार फिर से ये जिन निकला है और कांग्रेस इसी की आड़ में अब केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साध रही है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, छावनी में तब्दील कर दिया गया है, अघोषित आपातकाल है वहां पर। देखिए, ये कांग्रेस का दावा तो है कि ये अघोषित आपातकाल है, लेकिन एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि ये जो है एक तरीके से कांग्रेस को फिर से इकट्ठा होने का मौका दे रहा है और यहां पर तमाम नेता इकट्ठा भी हो रहे हैं। तो ये एक कोशिश है कि इसी बहाने, राहुल गांधी के बहाने, यहां पर तमाम नेता इकट्ठा हो जाएं। ये एक तरीके से ये रणनीति हमें शुरुआत से दिखाई भी पड़ रही थी। यहां पर तिरंगा के साथ आपको हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो एक जो सेवा दल का पूरा की पूरी फौज है वो यहाँ पे खड़ी है। ये मार्च को आगे लीड करने के लिए जाने वाली थी। अभी जो दरवाजा है 24 अकबर रोड का वो बंद है, लेकिन यहाँ पर सेवा दल के तमाम कार्यकर्ता हैं। आप लोग हाथ में ये सतमेव जयते लिए हुए हैं, क्या मतलब है? अभी पीसी चल रही, उसके बाद बात करें। तो ये स्थिति है यहाँ पर जो है, अलग अलग प्लेकार्ड है, सत्यमेव जयते, ना डरे हैं ना डरेंगे, हम लड़े थे हम लड़ेंगे, इस तरीके का है। और एक मैसेज देने की यहाँ से कोशिश है कि राहुल गांधी नो फियर। तो ये तमाम लगातार जो पोस्टर हैं राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ, ये यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे। इसको लेकर के मार्च आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी है कि यही इसी तरीके से एक जो इनका आरोप है कि केंद्र सरकार तमाम अलग अलग जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो और इस तरीके की एजेंसी हो, और नेशनल हेराल्ड का मामला जैसा आप बता रही हैं कि लगातार उसको उठाया जाता है, तो ये एक संदेश देने की भी कोशिश है यहां से 24 अकबर रोड से। हालांकि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 10 जनपद बिल्कुल साथ है, सोनिया गांधी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ता यही कोशिश कर रहे हैं कि यहां से एक मैसेज कोशिश की जाए कि ये 24 अकबर रोड से निकले।